अयोध्या कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी के निर्देश पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव रोहित चौधरी ने रुदौली निवासी दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार के शासनकाल में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे पंडित दयानंद शुक्ला को कानपुर के गोविंद नगर 212 विधानसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं यहां शुक्ला ने एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता में कहा कि जिस जिम्मेदारी को सौंप कर माननीय प्रियंका गांधी एवं राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, मेरा पूरा प्रयास यही होगा कि हम उनके विश्वास पर खरे उतरें और विधानसभा चुनाव लड़ रही कांग्रेस प्रत्याशी करिश्मा ठाकुर को जिताकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। प्रियंका गांधी जी ने मुझे कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र का पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर नियुक्त किया है और यहाँ से मैं थोड़ा हनुमान जी को प्रणाम करके महाराज जी का महान जी का आशीर्वाद लेके अपने वरिष्ठों का आशीर्वाद लेके सीधा कानपुर के लिए रवाना हो रहा हूँ और कानपुर जा कर के मैं किस तरह से वहाँ का मतदाता पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करे लामबंद करूँगा। जगह जगह गली गली और कस्बे नगर में जहाँ भी जिस तरह के लोग हैं सबसे मिलने का प्रयास करूँगा, मिलके कांग्रेस की रीति और नीति से अवगत कराते हुए कांग्रेस प्रत्याशी के उम्मीदवार करिश्मा ठाकुर को विजयी बनाने का पूरा भरसक प्रयास। इससे पहले कांग्रेस में मैं 10 साल तक जब भारत सरकार की मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस समय मैं राष्ट्रीय सलाहकार समिति का सदस्य रहा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले मैं 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार में राज्य मंत्री का दर्जे पे राजस्व विभाग देखा हूँ।